हाई एवरी वन दिस इज़ टिम्पल शर्मा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड अ हीलर सो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मैजिकल बुक लेकर आई हूँ जिसमें बताया गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस इम्पॉर्टेंस ऑफ फीलिंग ऑफ इमोशंस एंड जिसमें बताया गया है हीलिंग ऑफ चक्रास एंड हीलिंग ऑफ चक्रास क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड यू वॉन्ट बिलीव मतलब इस बुक का सिर्फ आपको मैं इतना क्रक्स बताऊँगी कि हम यहाँ लाइफ में आए हैं हमारे जो बार बार बर्थ होते हैं हम सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रास को ओपन करने के लिए आते जैसे ही हमारे सेवन चक्रास तक ओपन हो जाते हैं तो हम इलाइटन हो जाते हैं हम हो जाते हैं विद द डिवाइन और जब तक वो ओपन नहीं होते हम बार बार इस लाइफ टाइम में बार बार हम इस लाइफ में आते रहते हैं सो so दैट कि हम अपनी लर्निंग्स हम अपने लेसन सीखते रहे सो आई होप यू ऑल आर ऑल्सो एक्साइटेड टू नो नेम ऑफ दिस बुक एंड दिस बुक इज चैनल्ड नॉट अ बुक रिटर्न बाई ऑब्वियसली चैनल के थ्रू रिटर्न की गई है इसको ऑथर का नाम है अनंदा करुणेश अनंदा करुणेश ऑथर का नाम है एंड इसको चैनल किया गया है डायरेक्ट फ्राम माता सरस्वती एंड माता लक्ष्मी दैट अनर्जी ऑफ लक्ष्मी एंड द एनर्जी ऑफ सरस्वती ने इनको चैनल किया गया है इनके थ्रू उनके गाइडेंस के थ्रू ये बुक को लिखा है उनकी पूरी गाइडेंस में उस <laughs> उनकी पूरी गाइडेंस इस बुक में प्रेजेंट है और इन उन्होंने ही बताया है दैट पावर ऑफ़ फीलिंग उन्होंने ही बताया है कि इमोशंस को फ़ील करना क्यों इम्पॉर्टेंट है जो लोग इतने भागते हैं जो आजकल मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी आ गया है मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में मतलब अपने इमोशंस से भागना अपने नेगेटिव इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करना जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग न्यू इमोशंस उसके ऊपर काम करते जाओ और अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लो इन ऑल दिस और बट इसमें एक्चुअल बताया गया है डिवाइन फैमिलिन एनर्जीज़ के बारे में मस्कुल इन एनर्जीज़ के बारे में रामकृष्ण के बारे में महाभारत के बारे में क्या कहते हैं गीता के बारे में एंड लॉर्ड बुद्धा के बारे में ये बुक बहुत ही बहुत ही मेरेक्लस है एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी पर्सन को ये बुक को रीड करना है इस बुक से आप बिलीवि जब मैंने ये बुक को रीड करना स्टार्ट करा था मैंने फ़ाइव डेज में लगातार मैं फ्री थी उस मोमेंट पर आई थिंक uh, मेरी क्लासेस भी ऑफ थी तो मैंने फाइव डेज़ में ये बुक को कम्प्लीट करा था इस बुक ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई ये बुक ने मुझे इतने ज़्यादा इन्लाइटनमेंट uh, दी और न्यू टॉपिक्स के ऊपर इतना ज़्यादा बताया मुझे मुझे पता चला कि अच्छा इसका मतलब ये है ये है हम कितना मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं सो so, मैं कुछ कुछ आपको लाइन्स बताऊँगी इस बुक में से जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी और जिसमें से आप लोगों को भी जिसके ऊपर आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि हमें इस बुक को क्यों रेड करना है सो so, फर्स्ट है फर्स्ट आहा मोमेंट जहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी जी ने बताया एज वन फॉर गेट वन सेल्फ एज अ गॉड और बुद्धा वन बिकम द सोल एज वन फॉर गेट वन सेल्फ एज अ सोल वन बिकम अ बॉडी एज वन फॉर गेट वन सेल्फ एज अ बॉडी वन बिकम द माइंड फॉर गेटिंग वन सेल्फ इज़ अ वे कॉन्ट्रास्ट इज़ क्रिएटिंग एंड रिमेंबरिंग वन सेल्फ इज सवे कॉन्ट्रास्ट इज असेंडेड से ये टॉपिक है ये लाइन है जो कि मैंने यहाँ से रीड करी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपने आप को भूल जाते हैं एज अ कॉन्शियसनेस एज अ डिवाइन तो हम सोल बन जाते हैं जब हम अपनी सोल को भूल जाते हैं तो हम बॉडी बन जाते हैं जब हम अपनी बॉडी को भूल जाते हैं तो हम दिमाग बन जाते हैं इसीलिए आजकल मैक्सिमम लोग हैं जिनको डिप्रेशन है जिनको एंग्जाइटी है बिकॉज दे ऑल आर आइडेंटिफाइंग दम सेल्व विद देयर माइंड नॉट विद देयर बॉडी नॉट द सोल ऑब्बियसली गॉड का तो बिल्कुल ही साइड में हो गया उनको उनके साथ तो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा सो so, ये सेकंड और सेकंड अहम मोमेंट मेरे लिए तब थी जब मैंने ये रीड करा और जो मैं हर किसी को बताती हूँ बट उससे पहले एक और टॉपिक में एक और लाइन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी Body sensations are very grounding of dream grounding dreams from which it is easy to awaken into soul feelings and infinite emptiness mind contents are illusionary dreams from which it is difficult to awaken into infinite emptiness without surrendering to the body sensation and soul feeling so one can begin the journey directly with body sensation and soul feeling to dissolve the mind so ये mindfulness के बारे में बताया गया है goddess Lakshmi जी के द्वारा goddess uh, Saraswati जी के द्वारा कि जब हम अपनी body के sensation में आते हैं जब हम अपनी body के sensations को feel करने लग जाते हैं हम जब हम अपनी body को लेकर aware हो जाते हैं तो हम ईजिली जो इन्फीनाइट एम्टीनेस है जो डिवाइन है हम ईजिली उनके साथ मर्ज हो सकते हैं बट जब तक हम अपने अगर हम अपने माइंड के थ्रू जाएंगे कि हम अपने माइंड को चेंज कर लें तो हम डिवाइन के साथ मर्ज हो जाए तो इट्स इम्पॉसिबल और अगर आपको जर्नी अपनी सोल जर्नी बिगिन करनी है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बिगिन करनी है तो स्टार्ट बिकमिंग माइंडफुल ऑफ योर बॉडी ऑफ योर बॉडी सेंसेशंस देन जैसे ही आप बॉडी सेंसेशन को आ, को लेकर अवेयर होगे आपका आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे अपनी सोल से और जैसे ही आप सोल से कनेक्ट होगे डायरेक्टली हो जाओगे कनेक्ट विद द डिवाइन सो दिस इज़ सच अ पावरफुल मैसेज शेयर बाय द बोथ बोथ दी गॉड इज लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी एंड द थर्ड हीलिंग के ऊपर है जिनको शेयर किया गया है एंड पीज का नाम बताऊंगी इस बुक का सो so, ये थर्ड है बुक थर्ड uh, टॉपिक है इट ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस दैट यू वुड ब्रिंग दिस अप इफ वन इज फुली प्रेजेंट टू द इमोशन ऑफ सैडनेस

अंदर जब आप उस वो अपने आप रिजॉल्व होने लग जाएगी और जैसे ही डिसॉल्व होगी तो आप अपनी सोल के साथ सोल फीलिंग ऑफ कंपैशन आपके अंदर आ जाएगा एंड कंपैशन इज क्रिएटिव एंड इट हील मैनी थिंक ऑफ हाउ जीसस हील सो मैनी विद हिज ग्रेट कंपेशन कंपेशन ब्लस बोथ गिवर एंड द रिसीवर एज अ सफरिंग मेल्ट इन टू जॉय सो कम्पैशन हमारे अंदर पैदा हो जाता है जब हम अपने प्रेजेंट रहते हैं अपनी पेन के साथ उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड उसको अलाउ करते हैं उसको आवाज़ देते हैं उसको बाहर आने देते हैं तो हमारे अंदर एक कम्पैशन पैदा होता है वो कम्पैशन अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी क्रिएट होने लग जाता है सो so, हम हम वूडेड सोल नहीं रहते क्योंकि जब तक कोई पर्सन वूडेड रहेगा वो सामने वाले पर्सन को भी वून्ड स ही देगा सो so, ये है थर्ड इम्पॉर्टेंट लाइन जहाँ से हीलिंग हमारी स्टार्ट होती है और ये डायरेक्टली उन्होंने शेयर करा है सो so, आई रिली फेल्ट रिलीफ इन साइड ऑफ माई सेल्फ जैसे मैंने ये रीड करा क्योंकि हमारे माइंड में स्टार्टिंग से बताया गया कि मतलब जैसे गॉडेस के बारे में लक्ष्मी जी के बारे में सरस्वती जी के बारे में सो so, ये बुक का नाम है द अ थाउजेंड चीज ऑफ चॉय टीचिंग ऑफ लक्ष्मी एंड सरस्वती सो दिस इज़ द बुक मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी ये मस्ट रीड बुक है टू फॉर ईच एंड एवरी पर्सन अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो अपनी सेल्फ जर्नी के ऊपर जाना चाहते हो बट तो आपको बहुत सारे डाउट हैं कि नहीं मुझे हीलिंग के ऊपर नहीं जाना मुझे हीलिंग नहीं करनी अपनी मुझे डायरेक्टली ऐसे करना है मुझे डायरेक्टली अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है बिलीव मी हमारी जर्नी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रास को ओपन करने के लिए है एंड अगर आप अपने इमोशंस को क्या कहते हैं फील करोगे अपने इमोशंस को विदाउट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ और अपने इमोशंस को अलाउ करोगे तो बिलीव में आपके अंदर एक कंपैशन पैदा होगा आपके अंदर एक जॉय पैदा होगा जो कि इटर्नल जॉय होगा जो कि इटर्नल हैप्पीनेस होगी सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड जो भी लोग इसको परचेज़ करेंगे रीड करेंगे बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या इसके साथ जर्नी रही है इस बुक के साथ आपकी क्या क्या लर्निंग रही है सो so, इसी को ही सोचते हुए <laughs> इसी को नहीं सोचते हुए नहीं पहले भी मैंने चक्रास के ऊपर सेशन लेकर आई थी बट जब मैंने इसको रीड करा पहले मैंने बोला था कि मैं दोबारा चक्रास के ऊपर सेशन नहीं लाऊंगी शायद मैं नेक्स्ट ईयर लाऊंगी और ऑब्वियसली दिसंबर जनवरी में मतलब दिसंबर नवंबर दिसंबर में मैंने सोचा था बट जैसे ही मैंने ये बुक को रीड करा इज लाइक नो आई एम गोइंग टू टेक सेशन ऑन हीलिंग वंस अगेन ऑन चक्रा हीलिंग बिकॉज ये हमारा बेसिक है इसी बेसिक नीड है इसी को ही तो हम हील करने आए हैं सो आई एम टेकिंग सेशनज ऑन चक्रा हीलिंग स्टार्टिंग फ्राम इलेवंथ ऑफ जनवरी एंड बिलीव मी जो लास्ट ईयर रिजल्ट थे लोगों के बहुत नेक्स्ट लेवल थे लोगों के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो नेक्स्ट लेवल था आप सक्सेस स्टोरीज चेक कर सकते हो आप मेरी कम्युनिटी में जाके पोस्ट चेक कर सकते हो जहाँ पे लोगों ने अपने चक्रा हीलिंग के सक्सेस के बारे में बताया था उनके अंदर जो चेंजेज आए थे थे फिज़िकल चेंजेस आए थे इमोशनल चेंजेस आए थे एंड ऑब्वियसली वो कनेक्ट फील कर रहे थे विद दम सेल्फ एंड विद द डिवाइन एंड अगर आप भी चेंज करना चाहते हो आप भी अपने आप को हील करना चाहते हो आप भी अपने चक्रास को अलाइन करना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि चक्रास को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए तो यू कैन जॉइन माय अपकमिंग सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इलेवंथ ऑफ जनवरी एंड अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन द नंबर डबल नाइन वन डबल फाइव डबल एट डबल सेवन जीरो इसके ऊपर मैं आपको और जानकारी दूंगी और ये क्लासेस रहेंगे टिल ट्वेंटी ऑफ जनवरी एंड आई एल सी यू ऑल देयर एंड येस ये बुक आप हर कोई पर्सन जरूर रीड करेगा इज द मोस्ट रिकमेंडेड बुक और इस बुक को किस किसी ने नहीं, नहीं अभी तक रिकमेंड करा क्योंकि मैंने भी अपनी एक मेरी फ्रेंड थी उन्होंने भी खुद नहीं रीड करा उन्होंने भी दिस जस्ट टेक्सटेड मी कि टिम्पल परचेज दिस बुक आई थिंक यू शुड रीड दिस बुक एंड इज लाइक क्या है इस बुक में शी इज लाइक नो आई हैव नो आइडिया बट आई फेल्ट लाइक कि जैसे मैंने इस बुक को देखा तो मेरे अंदर तुम्हारी इमेज सामने आई और जैसे ही मैंने इस बुक को ऑर्डर करा ऑब्वियसली साथ के साथ मैंने इसको रीड नहीं करा बट जैसे ही मैं इसकी वाइब्रेशन में आई इस बुक की वाइब्रेशन में आई और इस बुक की वाइब्रेशन में आने में मुझे टू थ्री मंथ्स लग गए और जैसे एक बुक की वाइब्रेशन में आई मैंने फाइव डेज में कम्प्लीट करा एंड मैं चेंज थी बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज थी इस बुक को रीड करके मुझे इतने आंसर्स मिले मुझे इतनी एक्नॉलेजमेंट मिली वो भी डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मी माता वो भी डायरेक्टली फ्रॉम सरस्वती माता दै ऑब्वियसली आई वॉज फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई टीचिंग कि हाँ आई एम डूइंग राइट Things. I am doing perfect things. So this is I uh, this is what I wanted to share. So thank you so much, everyone. Keep blessing and keep loving yourself and keep reading this book again and again. And love you all. Have a great life ahead and see you all.